मेहता का उल्टा चश्मा। ये इच्छा पूर्ति मटकी हमें एक साधु महाराज ने भेंट की है, और उन्होंने कहा है कि जो भी इस इच्छा पूर्ति मटकी को फोड़ेगा ना, उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। हम लोग अभी चिट्ठी खींच के यही तय करने वाले थे कि ये इच्छा पूर्ति मटकी कौन फोड़ेगा, और उतने में आप लोग आ गए। लगता है भगवान भी यही चाहता है कि ये इच्छा पूर्ति मटकी चिंतन फोड़े। जा बेटा जा, ये इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ के भगवान से अपनी जिंदगी मांग ले। हाँ, हाँ। पर आप सबकी इच्छा? हमारी इच्छा तो जिंदगी में कुछ पाने की है, लेकिन तुम्हारी इच्छा जिंदगी को पाने की है। तुम्हारी इच्छा हमारी इच्छा से बहुत बड़ी है। एग्जैक्टली, इसलिए ये मटकी चिंतन तुम ही फोड़ना। हमें भी ऐसे ही लगता है, चिंतन। वाह बबीता जी वाह। थैंक यू, आप लोग कितने अच्छे हैं। हम किस तरह आप सबका धन्यवाद करें? अरे आप लोगों को हमारा धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो लगता है ये इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ना चिंतन के ही भाग्य में होगा। साधु की वाणी में सरस्वती का वास होता है, भगवान करे उनकी वाणी सत्य हो। जरूर होगा। आप मानोगे तो सच्ची है, वो कहते हैं ना, मानो तो गंगा नहीं तो बहता पानी। कृष्ण भगवान का नाम लेकर मटकी फोड़, देखना भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तुम्हें मटकी फोड़ने में बहुत मजा आएगा। Come on, चिंतन, you can do it. पर चिंतन ऐसे ऊपर चढ़ के मटकी फोड़ पाएगा? अरे आंटी आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, तब उसे ना है ना। हम सब मिलके उसे मटकी फोड़वाएंगे। और ले देंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गिरधर गोपाल की जय। आला आला गोविंदा आला। एक मिनट बेटा, पता है ना इच्छा पूर्ति मटकी से क्या मांगना है? क्या मांगू पापा? इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ते वक्त भगवान जी से कहना आपकी सारी बीमारी दूर कर दे। हाँ बेटा, और तुम्हें नया जीवन दे। तो क्या बोलना है बेटा? भगवान मेरी बीमारी ठीक कर दे और मुझे नया जीवन दे। जा बेटा जा। हाँ जा, फोड़ दे मटकी है, कबू ले जा इसे। जा।
पहले संभाल। वो टेंशन ना लो, मुझे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टेंशन कोई बात नहीं, एक और बार, वन मोर टाइम।